आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर ताज नगरी आगरा में भी ईद उल फित्र का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र की विशेष नमाज प्रेम के प्रतीक ताजमहल में भी अदा की गई। यहां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां लोग इकट्ठा हैं। यहां मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़कर देश में अमन चैन और शांति सौहार्द की अल्लाह से दुआ मांगी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के लिए ये है कि रमजान का मुबारक महीना होता है, इसमें जो तरावीह पढ़ी जाती हैं, जब कुरान पूरा मुकम्मल होता है तो इसके बाद में खुशी का एक लाहौर होता है। इसमें दुआ मांगी जाती है और नमाज पढ़ी जाती है, उसे ईद उल फितर कहते हैं। क्या दुआ मांगी गई है? अमन और चैन मुल्क की दुआ। ताजमहल में हर साल की तरह इस साल भी ईद की नमाज हुई है और सब अमन चैन की दुआ मांगी नमाज में। ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में दूर दराज से हजारों की संख्या में नमाज के लिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद सभी ने यहां इकट्ठा होकर ईद उल फित्र की नमाज अदा की।